अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डर गए ना, डरपोक कहीं के। अब इन बिच्छुओं के साथ आप खेलते रहिए। हाँ देखना पारो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी इन खुशियों को तुम्हारे आंसुओं में बदल दूंगा। राम मनोहर, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कुछ गुंडों का इंतजाम करो जो पारो को गौशाला से उठाकर इस हवेली से ही नहीं बल्कि ओमकारेश्वर से भी दूर फेंक दे। लेकिन करण के कमरे में बिच्छू आया कैसे? अगर उसे काट लेता तो? मेरा दिल तो अभी भी डरा हुआ है। मैं तो माँ होकर भी हिम्मत नहीं कर पाई। बेचारी वो लड़की पारो, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो बिच्छू हटाए। उसने तो साबित कर दिया कि वो करण से कितना प्यार करती है, और ये सब एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। बहू, पारो जो कुछ कर रही है लगता तो यही है कि वो इस घर के हित में कर रही है, लेकिन इस सब से ये तो साबित नहीं होता कि वो करण की पत्नी है। जब तक हमें किसी बात का पक्के सबूत न मिले। मेरा मन कहता है कि हो ना हो ये पारो करण की पत्नी ही है। पर पारो है कहाँ बहू? गौशाला गई है। कह रही थी उसके पास कोई जड़ी बूटी है जिससे बिच्छू का जहर कम हो जाता है। ये तो पारो की आवाज है। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ। रुक जा एक मिनट, अभी बताती हूँ तुझे। पारो पर हाथ उठाया? रुक जा, अभी रुक जा। सबके साथ फिर से आऊंगा, याद रखना। जरूर आऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आ जरा देख लूंगी सब को, नाक कान हाथ सब नोच लूंगी तेरे। अरे 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 रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? कौन है वो लोग? अब क्या बताऊं मैं आपको सासू माँ, ये सब लोग मेरे गांव वाले थे। ये हमें बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमें छोड़ के आ गए थे ना, तो ये सब लोग हमसे नाराज हो गए थे, और फिर ये लोग हम पर दबाव डालने लगे कि हम इन्हें भूलकर किसी और से शादी कर लें। और सासू माँ, हमने इनसे कह तो दिया कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन अगर ये लोग दोबारा आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे भी लगता है कि अब इस लड़की का गाय घर में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें इसे अपने साथ हवेली में ही रखना चाहिए। पर दादी, करण भैया। अरे उसे तो रहने ही दो, जा अपना सामान समेट कर ले आओ। नहीं नहीं सासू माँ, हमें तो आप यहीं रहने दीजिए। हमारी वजह से घर का माहौल बिगड़े ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारी बहू यहाँ अकेली गौशाला में रहे ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम अपने परिवार के साथ घर में रहोगी। दादी माँ, आपने हमें कितना अपनापन दिया है, हमारे लिए यही काफी है। हर लड़की अपने मन में अपनी ससुराल के कितने सुंदर सपने संजोती है। मेरा वो सपना भी पूरा हो गया, हमें अच्छी ससुराल भी मिली और अच्छी ससुराल वाले भी। तो क्या हुआ अगर मेरा कोई शगुन नहीं हुआ, मेरी आरती नहीं उतारी गई जैसे नई नवेली दुल्हन की उतारी जाती है? मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे अपने घर के साथ साथ अपने दिल में भी जगह दे दी।
तुम इस घर की बहू हो, हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगी। अरे करण बबुआ, तुम निश्चिंत रहो, मेरे गुंडे वहां पहुंचने वाले होंगे। कादंबरी बहू, जाओ पूजा की थाली ले, हम अपनी बहू को पूरे शगुन के साथ गृह प्रवेश कराएंगे। सुमन चलो बेटा। रामबहादुर सामान आ जाना। यहाँ रख दो बेटा। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, तुम अपने शुभ कदम इस घर में रखो। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे किस रिश्ते से इस घर में जगह दे रहे हैं? चुप कर करण, तुम इसे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन ये हमारी घर की बहू है। जब मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता तो आप इसे अपनी बहू कैसे मान सकते हैं? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये झूठी है, सब नाटक है इसके। रुक जा करण, खबरदार जो पारो से कुछ कहा तो। और तुम शायद ये भूल रहे हो करण, ये हवेली आज भी मेरे नाम से है। यहां मैं जिसे भी रखूं ना रखूं, ये मेरी मर्जी पर है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें मालूम है अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुंडे वहां चले आए थे, अगर इसे कुछ हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि पारो हम सबके साथ इसी हवेली में रहेगी। अपने शुभ कदम आगे बढ़ाओ।